नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। तो इस सीजन की पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि सैटरडे को बच्चों की पीटीएम होती है और ठीक ऐसा ही बिग बॉस के घर में भी हुआ है। इस सैटरडे पेरेंट्स आए हैं और ये हैं दो माताएं जो कि अविनाश की माँ हैं और चाहत की माँ हैं। चाहत की माँ गुस्से से भरी हुई हैं और अविनाश की माँ का कहना है कि जो मेरे बेटे ने कहा वो तो बिल्कुल सही था, और मेरे बेटे ने जो कहा कि चाहत मुझे भीगते हुए बालों में देखना चाहती है, चाहत को मेरा गीला बदन देखना पसंद है, ये सब लाइनें ओके हैं, उनकी माता ने ये बातें कही है। चलिए आपको बताएंगे कि कैसे चाहत की मम्मी ने चुप करा दिया और भिड़ गई दोनों माएँ। वेल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुँचे जल्द से जल्द। चाहत और अविनाश को बुलाया गया बिग बॉस की ओर से, और स्क्रीन पर सामने कौन थी? सामने थी दोनों की माएँ जो कि एक साथ अगल बगल में बैठी हुई थी। वो तो मार पिटाई नहीं हुई, और यहाँ पर अविनाश की माँ का ये कहना है कि बेटा तूने जो बातें कही ना चाहत को वो सही कही। उसके बाद चाहत ने कहा कि आंटी जी, इसने मुझे बोला कि तू मुझे भीगे बालों में देखना चाहती है, भीगते बदन में देखना चाहती है, ओके है आपके लिए। तो उसके बाद चाहत की मम्मी का गुस्सा भी फट गया। उनका कहना है कि भाई, अविनाश की माँ ने ये बातें कही कि ये तो बेटा मजाक में कह रहा था। तो मजाक की बात पर ही चाहत की मम्मी को गुस्सा आ गया। चाहत की माँ ने कहा कि मजाक अकेले में होता है, इस तरीके से सरेआम जब पंचायत बुलाई जाती है तो इसमें बेइज्जती होती है, और आपके बेटे ने पूरी पंचायत यानी कि पूरे घर के सामने ये बातें कही है, नेशनल टेलीविजन पर कही है, ये एक बेइज्जती है। मजाक करना था तो अकेले में भी ये मजाक कर सकता था, लेकिन उसने सबके सामने किया है और ये चाहत की बेइज्जती है। तो बहुत तगड़े रिप्लाई देती हुई नजर आई चाहत की माँ, और चाहत की माँ ने ही अविनाश की माँ को चुप करा दिया।